हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार झरवाल है। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021 में 131 रैंक सिक्योर की है। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और कुछ लोग हैं जिनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस वॉज गुड, जर्नी अच्छी थी, अप एंड डाउंस थे, फेलियर्स बहुत थे। देखिए, आप जब किसी भी टारगेट को एम करते हैं तो फेलियर्स बहुत होते हैं, बट सक्सेस आपको एक बार ही चाहिए होती है, तो यही होता है। बट जब आपके फेलियर्स आते हैं तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ मेंटली स्टेबल रहिए। मेंटली ब्रेकडाउन होना बहुत बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन या एक नंबर से भी अगर आप फील्ड से बाहर हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी है, उसका पता चलता है। तो बस वो चीज़ थोड़ा होना चाहिए, करेज होना चाहिए। ऑफकोर्स अडेप्ट, इम्प्रोवाइज, ओवरकम, ये तीन फार्मूला हैं जिस पे वर्क करना चाहिए। जीएस जो होता है उसमें आप जो अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो ज्योग्राफी, इकनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ऑफकोर्स मैथमेटिक्स, इन पे फोकस कीजिए। एंड सेकेंड पेपर के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स पे वर्क कीजिए, कंटिन्यूस वर्क कीजिए, टॉपिक्स हैं उन पे वर्क कीजिए, तो वर्क हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कंपटीशन टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है कि दैट यू आर नॉट केपेबल इनफ, तो हो जाता है। और अब थैंक्स की बात आती है तो ऑफकोर्स फैमिली इज़ फर्स्ट, माई मदर, फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, दे आर वेरी सपोर्टिव। कैन स्टडीज प्लेटफॉर्म जो रंजीत सर हैं, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, इज़ अ परफेक्ट मेंटोर। आई थिंक ही वॉज परफेक्ट मेंटोर फॉर मी स्पेशली, बिकॉज जो उनका स्टडी मटीरियल है वो बहुत सही है और जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं इट्स अप टू डेट। आप एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ में इंफॉर्मेशन है उसमें लैक नहीं करते हैं। जो उनका इंटरव्यू गाइडेंस था वो बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो उन्होंने ही मुझे कहा कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो जब मेरा बोर्ड, जब मेरा इंटरव्यू था, मिस्टर आर एन चौबे का बोर्ड था, व्हाट अ डायनेमिक पर्सनैलिटी ही इज़, तो उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि दैट यू कैन गो विद हिंदी, तो इंग्लिश में ही था पूरा इंटरव्यू एंड आई थिंक इट वॉज गुड इनफ। तो रंजीत सर, उनके लिए तो मैं हमेशा ही थैंकफुली रहूँगा पूरी लाइफ टाइम। एंड वन पर्सन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल्सो, मेरे जिम के जो कोच हैं, मिस्टर संतोष सिंह, माई गुरु जी, ही वॉज वेरी पॉजिटिव ड्यूरिंग माई नेगेटिव डेज, ही वॉज विद मी ऑलवेज, ही मोटिवेटेड मी अलॉट। तो ये कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं थैंकफुली रहूँगा लाइफ टाइम, माई फैमिली, रंजीत सर एंड माई गुरु जी ऑफकोर्स। सो माई अपकमिंग एस्पिरेंट्स, माई फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द गुड लक, प्लीज़ बी इन फील्ड एंड यू डेफिनेटली विक्टोरियस। ओके, थैंक यू।